हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू वैकेंसी निकाली गई है, फ्रेंड्स इसके फॉर्म फिल आप किस तरह कर सकते हैं, जो कि आपकी इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेसमेंट मेट की आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप इसमें फॉर्म फिल स्टेप बाय स्टेप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी इंडियन नेवी की तरफ से आपकी ये ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन आपके रिलीज हो गए हैं। 362 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है और इसमें आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल किस तरह कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर हम जाएंगे। यहाँ पर आपको जो इसके फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 26/7/2023 है और लास्ट डेट आपकी 25/9/2023 आपकी रहने वाली है। अप्लाई ऑनलाइन पे आप यहाँ पे क्लिक पे आप क्लिक करेंगे फॉर्म भरने के लिए, और यहाँ पे आपको जो कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं तो ये आपको रीड अच्छे से कर लेने हैं। या रीड कर लेंगे तो कंटिन्यू पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका जो फॉर्म है आपके सामने आ जाएगा। तो आपको कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ डाल देना है, उसके बाद आपका मिडिल नेम या लास्ट नेम है वो आप यहाँ डालेंगे। जब आप ये डाल देंगे, आपका जो फादर नेम है वो आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप यहाँ डाल देंगे। इसी तरह आपकी जो मदर का फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है वो आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपका जो जेंडर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो मेडिकल स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो आपकी यहाँ डेट ऑफ बर्थ है जो 18 से 25 ईयर आपकी बताई हुई है, और जो आपका एज का रिलैक्सेशन आपको दिया हुआ है वो भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाके आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो आपकी जो भी एज रिलैक्सेशन है वो अभी आप यहाँ देख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपनी जो डिटेल है वो आप यहाँ देख सकते हैं, और फॉर्म पे आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ भर देंगे। तो कैलेंडर में आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। जब अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको ये सामने इस तरह आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगी। आप कि इसके बाद आपकी जो कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, आप SC, ST, अंडरजर्व, OBC, जिस भी आप कैटेगरी में आते हैं अपने अकॉर्डिंग आपको अपनी जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पे यस कैटेगरी में आते हैं तो आप यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद आपकी जो एक्स सर्विसमैन है तो आप यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। आपने एक्स सर्विसमैन होते हुए कोई बेनिफिट लिया है तो अपने अकॉर्डिंग आपको यस नो कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपने कोई डिपार्टमेंट में, आपने गवर्नमेंट में, रेगुलर में आपने कोई एम्प्लॉयमेंट करा है, यस नो अपने अकॉर्डिंग करना है। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, आपका जो रीजन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके यहाँ पे DOBP की साइट पे आप अपनी जो डिटेल है वो आप शो करना चाहते हैं आप यस करेंगे। आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और आपका कोरेस्पोंडेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आपका जो भी डोर, स्ट्रीट, विलेज है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपकी जो सिटी, टाउन, तहसील है ये आप डाल देंगे। उसके बाद आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। उसके बाद आपका जो स्टेट है वो आप यहाँ लिखेंगे और आपका जो पिन कोड नंबर है वो आप लिखेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप इसको अलग अलग भर देंगे। उसके बाद आपकी जो भी वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद आपकी जो मोबाइल नंबर है वैलिड वो आपको लिखना है। उसके बाद आपकी जो रिजेंट है अंदमान निकोबार से तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर लेना है। उसके बाद आपकी जो आईडी प्रूफ है वो आपको यहाँ पे अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, क्या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जिससे भी आप यहाँ पे अपनी अब जो आईडी प्रूफ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो एम्प्लॉयमेंट चेंज रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आपका जो भी आपका रोजगार कार्यालय से आपको जो आपका नंबर है वो आपको यहाँ लिख देना है। आपकी जो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन है डिटेल वो आपको यहाँ भर देनी है। तो नेम ऑफ एग्जाम आपको यहाँ पे लिख देना है। आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो आप यहाँ लिख देंगे। आपका जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो आपको लिख देना है, और आपकी जो भी पासिंग ईयर है वो आप यहाँ लिख देंगे। ये जब सब डिटेल आप यहाँ भर देंगे उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो सेव एंड प्रोसीड पे आप जब क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपका फोटो सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का, जो कि आपको JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ डालने होंगे। तो इसके लिए आपके यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए हैं कि गुड क्वालिटी में होनी चाहिए, आपकी फ़ोटो 10 से 50 KB, आपके जो सिग्नेचर है 10 से 20 KB, और आपके जो थंब इम्प्रेशन है आपका 10 से 20 KB में होना चाहिए, गुड आपकी क्वालिटी यहाँ होनी चाहिए। तो आपको अपनी जो फ़ोटो है, अपना सिग्नेचर है, आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो आपको यहाँ पर अपलोड आपको ब्राउजर पर बजा के फाइल सेलेक्ट करके आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यह प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा, ये प्रीव्यू आपको यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद आप यहाँ
जब प्रीव्यू आप देख लेंगे, अपलोड आप कर देंगे, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो आपका यहाँ पे आता है आपकी जो टेंथ की, आपकी मेट्रिकुलेशन की, जो आपकी क्वालिफिकेशन, जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पे भर देनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो CGPA है, परसेंटेज है, वो आप डालेंगे, आपके टोटल मार्क्स हैं, आपकी जो भी आपके ऑप्टेंट मार्क्स हैं वो आप यहाँ सभी डिटेल आप यहाँ डाल देंगे। जब आप ये सभी डिटेल यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद आपके जो ITI क्वालिफिकेशन है, आपका जो ट्रेड है आपका ITI का, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ लिस्ट देके रखी है अपने अकॉर्डिंग, आप अपने जो ITI का ट्रेड है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जब भी आप ये सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपका जो बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। आपकी जो ईयर ऑफ पासिंग है, उसके बाद आप ईयर और पासिंग आप यहाँ पे डाल देंगे। तो आपकी ईयर पासिंग डालने के बाद आपका यहाँ पे CGPA है, परसेंटेज है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। आप जो आपके टोटल मार्क्स है, आपके ऑप्टेन मार्क्स है, वो आप डाल देंगे। आपका डिवीजन है वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है, आपने अगर ITI सर्टिफिकेट आपका इशू बाय नेशनल काउंसिल से अगर आपका हुआ है तो आप यहाँ यस करेंगे। और उसके बाद अगर आपका यहाँ से हुआ है नेशनल काउंसिल से, तो आपको अपनी जो भी आपका सीरियल नंबर सर्टिफिकेट है वो आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालना है। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट है, जो कि आपको अपने जो सर्टिफिकेट नंबर है उस पर आपको ये डेट मिल जाएगी, तो वो आपको इस तरह यहाँ पे डाल देनी है। जब आप इसको यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन है आपकी मिनिमम, तो वो आपको यहाँ पे यस नो अपने अकॉर्डिंग करना है। और आप अगर इसमें रिलैक्सेशन चाहते हैं वो आपको यहाँ पे यस नो कर देना है। उसके बाद सेव अपडेट पे आप यहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी और डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना है। उसको आप गुड क्वालिटी में आपको अपलोड करना है। आपके डॉक्यूमेंट्स की साइज 100 से 200 के भी बताई हुई है। आपका टेंथ का आपका जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड कर देनी है ब्राउजर पे जाके। और उसके बाद आपका ITI सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। आप ब्राउजर पे जाएंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड यहाँ पे कर देंगे। करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो लास्ट फाइनल सबमिशन है वो आपका यहाँ पे आपके सामने आ जाता है। तो आपके यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन प्रीव्यू है वो सबसे पहले आपको यहाँ अच्छे से चेक कर लेना है, ये आपका जरूरी है। इसको आप जब यहाँ पे चेक कर लेंगे, उसके डिक्लेरेशन पे आपको यहाँ रीड करने के बाद आपको क्लिक करना है। और आपका जो फाइनल आपका जो कैप्चर कोड है जो आपको देखे रखा है वो आपको यहाँ भर देना है। और फाइनल सबमिशन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म है आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आप यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन पे बाद में भी आप क्लिक करके इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप यहाँ आपका जो प्रिंट है वो भी आप ले सकते हैं। तो आपका एप्लीकेशन नंबर आप डालेंगे, आपकी जो भी यहाँ डिटेल है वो आप यहाँ भर देंगे, उसका आप यहाँ सबमिट कर देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह आपका जो फॉर्म है वो आपका यहाँ सबमिट हो जाता है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।